हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो क्रिश्चियन बेल की गॉथिक मिस्ट्री थ्रिलर पेल ब्लू आई नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गई है, और लास्ट ईयर जब इसका ट्रेलर आया था मैंने उसका भी रिव्यू किया था, और मैंने कहा था कि जब ये मूवी आएगी मैं इसका भी रिव्यू करूंगा क्योंकि मैं एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। अच्छा गाइस, मैंने एक बात गौर की है कि नेटफ्लिक्स इस मूवी को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, और आप जानते हैं आजकल सुपर हीरो मूवीज़ की भीड़ भाड़ है, यानी हर मंथ कोई सुपर हीरो मूवी या टीवी शो रिलीज़ होता है। तो इस टाइम अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा देखना चाहते हैं जो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा हट के हो, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा गाइस, इस मूवी के बेसिक प्लॉट की बात करें तो ये मूवी सेट है ईयर 1830 में, और यहाँ पे क्रिश्चियन बेल रोल प्ले करते हैं अगस्तस लैंडोर का, जो एक रिटायर्ड जासूस है, और इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसकी बेटी भी इसको छोड़ के जा चुकी है। ये जो डिटेक्टिव है ये एक यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी के पास रहता है। अब होता क्या है, ये जो एकेडमी है इसके एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है। तो इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए अगस्तस लैंडोर को काम दिया जाता है कि आप इस केस को सॉल्व करिए, और इस केस को सॉल्व करने के लिए वो मदद लेता है इस एकेडमी के एक स्टूडेंट की, एडगर एलन पो। एडगर एलन पो आप जानते हैं एक पोएट थे जिनकी पोएम्स हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में भी पढ़ी हैं, तो उन्हीं के कैरेक्टर पे बेस्ड है एडगर एलन का कैरेक्टर। तो वो एक तरीके से मदद करता है अगस्तस की इस केस को सॉल्व करने के लिए, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है इस एकेडमी में और कत्ल होते हैं और ज़्यादा लोग गायब होने लग जाते हैं, और जो डेड बॉडीज मिलती हैं उनके चेस्ट से उनका हार्ट यानी कि दिल निकाला गया होता है। तो अगस्तस को ऐसा लगता है कि शायद किसी कल्ट का हाथ इसमें है, लेकिन सवाल उठता है कि केवल इस एकेडमी के बच्चों को ही क्यों मारा जा रहा है। इसी के अराउंड ये मूवी घूमती है, और कैसे इस केस को सॉल्व किया जाता है इसी पे मूवी बेस्ड है। अच्छा गाइस, इस मूवी में एक डबल ट्विस्ट है, यानी पहला ट्विस्ट जब आया था तो मुझे लगा था कि शायद मूवी खत्म हो गई, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो मैंने गौर किया कि 30 मिनट्स की मूवी अभी भी बची है। तो मैंने कहा ये अजीब चीज़ है, 30 मिनट पहले ही इन्होंने केस को सॉल्व कर दिया। लेकिन गाइस फिर एक डबल ट्विस्ट आता है, उसके बाद तो गाइस होश उड़ जाएंगे आपके, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मूवी है। एक और चीज गाइस, एडगर एलन पो का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो हैरी मेलिंग ने प्ले किया है, और हैरी मेलिंग वही हैं जिन्होंने हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में डडली जो हैरी पॉटर का कजन था उसका रोल प्ले कर रहे थे, ये वही एक्टर हैं। लेकिन इस मूवी में इन्होंने पूरा वेट लूज किया हुआ है कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वही एक्टर हैं। अच्छा, मूवी के गाइस प्लस पॉइंट्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी मूवी की बहुत अच्छी है। अगर आपको शर्लॉक होम्स की सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग पसंद आई है तो आपको इस मूवी की कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटोग्राफी भी पसंद आएगी। और क्रिश्चियन बेल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, डार्क नाइट राइजेस के जो रिटायर्ड ब्रूस वेन की एक तरीके से याद दिलाते हैं वो ऑलमोस्ट वैसा ही लहजा था एक्टिंग करने का और डायलॉग बोलने का। और गाइस नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मूवी का बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कमजोर रह गया है, इसीलिए बहुत से जो पावरफुल सीन्स थे वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि बीजीएम ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन उसके अलावा गाइस मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं शर्लॉक होम्स के लेवल पे इसको नहीं रखूंगा। लेकिन आज के टाइम आप जानते ही हो कि फन मूवी और ह्यूमर मूवीज की भीड़ भाड़ है, तो इस भीड़ भाड़ में एक ऐसी यूनिक मूवी निकल के आ रही है तो गाइज उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो गाइज अगर आपने मूवी नहीं देखी गाई तो डेफिनेटली ज़रूर चेकआउट करिएगा, और मूवी में वॉयलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं है, तो आप अकेले ही देखिएगा। बाकी मूवी कमाल की है, आप इसको देख सकते हैं, और अगर आपने मूवी देख ली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।